आज के इस पावन दिवस के अवसर पर आ, मैं डॉक्टर श्रीनिवास रूपाम महाराष्ट्र से सभी कोतुड़ों को सेवा 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 जोहर करता हूँ आज आज के विश्व के कोतूड़ दिवस में के अवसर पर आ, सगा सगुम आ, भोपाल इस संस्था ने जो आयोजन किया है वो काबिल तारीफ़ है और उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने मुझे इस लाइव सेशन में बुलाया है और मेरे आ, को कोतुड़ बंधुओं से सगाओं से बात करने का मौका मिला है तो और जयपाल जी और सभी सगा सगुम के पदाधिकारी कार्य कार्यकर्ता इन सभी को सभी को एक बार सेवा 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 जोहार और देश के और और प्रदेश के जितने भी कोई तोड़ इंडिजिनियस लोग इस आ, आ, मेरे लाइव स्ट्रीमिंग को देख रहे हैं उनको भी बहुत सारा प्यार और आज का जो दिन है उसमें मैं कुछ अपनी बात रखना चाहूँगा इन दिनों में कुछ दिनों से कुछ लोग मुझे पूछते थे कि हमारी पहचान क्या है हमारी पहचान क्या है इस देश में इस भारत देश में हमारी पहचान क्या है आज भारत का भारत देश में जो कैलेंडर होता है जिसमें 365 डेज होते हैं उस 365 डेज में अगर हम लोग कैलेंडर में देखते हैं तो आज कोतुड़ों के लिए क्या है भारत देश में इतने सारे लोग रहते हैं इतने प्रकार के रेस के धर्मों के लोग होते हैं उसमें उस कैलेंडर में हमारी जगह क्या है आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक देख लीजिए उस कैलेंडर में आज भारत देश में हमारी एक भी जगह नहीं है मगर जिस जिस दिन हमने ये पढ़ा कि एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने नाइन्थ ऑगस्ट ये जिन मुकर्र किया है ये जिन जाहिर किया है ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को ऐसे कौतू लोगों को जो देश में उस देश के मूल वंश है उस देश में उस मट्टी के साथ नाता जुड़ा हुआ है वो कहीं कहीं बाहर से नहीं आए हैं आप उसे अटलांटा से लीजिए अटलांटा अफ्रीका कैनेडा और न जाने कितने देशों में जो अलग अलग आ, 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 कल्चर को लेके हुए हैं एक नेचर वर्षी पर जिसको बोलते हैं कि नेचर की जो पूजा करते हैं ऐसे लोग आप आप माओरी ट्राइब को देखिए न्यूजीलैंड की जो माओरी ट्राइब है या एटलांटा के ट्राइब है या अभी हमारे देश के भी ट्राइब ले लीजिए मगर उनके लिए विश्व पटल में कोई भी कोई भी आइडेंटिटी नहीं थी सो so, कि मेरी आइडेंटिटी क्या है मेरी आइडेंटिटी क्या है हम लोग आ, हम लोग ढूंढते रहते हैं आज मेरा युवा अब अभी भी देख रहे होंगे कुछ लोग आ, अभी तक मैंने सेमिनार दिखा हमारे माननीय हमारे मा, गुरु बली सूर्या सर जी का एक तेज तरार जो प्रेजेंटेशन सर ने दिया है हमें कि कुछ लोग अभी भी हमारे जो कोयतूड़ लोग हैं अभी भी कन्फ्यूज़ है कि वो है कौन वो शेड्यूल ट्राइब है ट्राइब है कौन है मगर वो अपनी भाषा भूल रहे हैं वो खुद की कोईतूड़ आइडेंट आइडेंटिटी आइडियोलॉजी को भूल गए हैं सो so, मैं एक आ, मैं मेरी आइडियोलॉजी को मेरी पहचान को आपको एक तरह से एक चीज़ में बोलना चाहता हूँ कि जो मैं अभी बचपन से सीखता आ रहा हूँ Uh, मेरी पहचान क्या है तो मेरी पहचान है कि मेरे सगा पाड़ी मेरे सगा पाड़ी मेरे बारह बारह बाना मेरे बारह गोत्र और हमारे साढ़े सात सौ सरनेम और उससे जुड़े हुए उससे जुड़े हुए हमारे सगा पाड़ी और हमारा सबसे हमारी आइडेंटिटी हमारे सप्तरंगी की झंडा है हम कोई तोड़ जब भी कोई नया नया काम करते हैं हम सगा एक साथ आते हैं और हमारा एरूम झंडा जंड, जो सात रंग का झंडा होता है जो रेनबो जो जो रेनबो से लिया गया है रेनबो से इंस्पायर है दुनिया में सात रंग है गाना भी है ना सात रंग के सपने चुने सो so, उन सात रंगों को मैं एक बार मैं फड़ापन को याद करता हूँ और उनकी सुमिरन में मैं एक कुछ चंद लाइनें आपको बोलता हूँ आप भी फड़ापेन से वो जो कनेक्शन फील करिएगा सात रंगों के साथ कनेक्शन फील करिएगा निया सुमरनी आय तारो फड़ा पेन ई रुग रंगता झुंडालैरी माईता न सुमरनी आइतारो फेन ई रंगत झुंडालैरे माईता सुमरनी आ फेन बधेरो मरा न ठानो बोर है पूजन हार बदेरो मरानिया ठानार बोर है पूजन हार बोर किया तोरनिया सेवा बोर किया तोरनिया सेवा बोर किया गुणगान सुमरनी इंगा सुमरनी आयता रो फा पेन रंगता झुंडा लेरी माईता फड़ा पेंट था सेवा सेवा बिमाल पेंट सेवा सेवा सगा पाड़ी था सेवा सेवा मेरे को मेरे को बाना वेन विरदा था सेवा सेवा ये मेरी पहचान है ये मेरा एरुंग पाटा जो था इससे आगे भी पांच पांच पाटा है इसके अंदर इस पा, पाड़, पाटा में पूछते हैं कि मेरा मेरा गाँव किधर है मेरा मढ़ा किधर है जहाँ पे मेरा कौन सा कोई कोईतुड़ मेरे फड़ापेन का गुणगान कर रहा है ये एक बेहतरीन कि हमारा भगवान होता है हमारे पेड़ पे पुरखा हमारे सारे पेड़ों में होते हैं ये मेरी पहचान है जब ये जानते हैं कि हमारे पुरखा हमारे पेड़ हमा, हमारे पुरखा पेड़ों के पेड़ों में होते हैं फड़ापेन की पुरछा पेड़ों में होती साजा पेड़ नीचे होती है तो फिर हमें तो बंधनों में रखा था इतने में अभी मैंने एक बहुत बड़े जो कहते हैं कि बहुत बड़े वक्ता थे एक फिलोसोफर थे खलील गिब्रान उन्होंने बोला है कि उसमें इंग्लिश में प्रोवर्ब है लाइफ इज़ नॉट लिविंग इनफ लाइफ इज़ नॉट लिविंग इनफ इट्स अबाउट फ्रीडम सनशाइन एंड फ्लावर जब मैंने ये पढ़ा तो उसका मैंने कोतूड़ मिजान में जब झाँकने की कोशिश की तो उसमें ये बोलते कि सिर्फ जीना जीता तो कोई भी है वो, वो बोलते हैं कि गली गली में घूमने वाला कोई भी इंसान जीता है हर जानवर जीता है मगर जीना सिर्फ जीना नहीं है वो जीने में एक सनशाइन होना चाहिए जीने में एक प्रकाश होना चाहिए जीने में हमारे नन्हे हम फूल फ्लावर्स हम कुछ फ्लावर हम दुनिया को कुछ, कुछ दे सकते हैं क्या वो होना चाहिए में फ्रीडम होना चाहिए जब हम कोई तोड़ मिजान को देखते हैं हमारे कोई तोड़ लोगों को देख रहे हैं क्या जो फ्री है क्या वो फ्रीडम है उनको क्या वो उनका खुद का खुद का प्रकाश में जी रहे हैं क्या वो अपने आने वाली पीढ़ी पीढ़ी को वो प्रकाश दे पा रहे हैं लोगों को बताया गया लोगों को बताया गया अरे अभी की अभी देखते हैं अगर हम इंडिजिनस डे इंडिजिनस डे का डिक्लेरेशन मैं भी थोड़ा सा ये वाले पॉइंट को रख के मैं थोड़ा आगे लेना चाहता हूँ कि हम आने वाली नस्ल को क्या दे रहे हैं हमारे पास सनशाइन क्या है हमारे पास प्रकाश क्या है हम खुद को क्या समझते हैं कुछ लोग बोलते हैं अभी कुछ दिन के पहले की बात थी कि श्रीनिवास कि हम लोग जानते हैं हम लोग हड़प्पा संस्कृति मोहनजोड़ो संस्कृति से बिलोंग करते हैं तो एक हमारे महानुभाव मुझे बोलते हैं कि श्रीनिवास ये मोहनजोदड़ो वाली संस्कृति थी वो बहुत डेवलप थी बहुत बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस थी दुनिया के लिए वो सारी दुनिया बोल रही है अगर हम लोगों ने बोल दिया कि वो एडवांस थी तो हमारा रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा हम तो प्रीमिटिव हैं तो मैंने उनको जवाब दिया कि सर आप आपका रिजर्वेशन जो है आप सिर्फ रिजर्वेशन के बारे में सोचेंगे क्या आप सिर्फ आप अपना जो भी अस्तित्व है क्या रिजर्वेशन से ही जोड़ेंगे आने वाली नस्ल को क्या सिखाएंगे आदिवासी सिखाओगे आदिवासी का डेफिनेशन मैंने देखा तो मुझे पता है कि आधे जो खाना पका के भी नहीं खा सकते जो खाना पका के भी नहीं खा सकते हैं जिनको मालूम नहीं कि हमारे रिलेशंस कैसे होने चाहिए जंगलों में अर्ध नग्न रहने वाले जो जो कहते हैं कि जिनको कुछ मालूम ही नहीं कुछ नहीं आता है उनको तो गाली भी दी जाती है ना वो इंसान है ना वो जानवर है अभी ऐसे लोग मगर जब मैं मेरे लोगों को देखता हूँ जब मेरे कोतुड़ों को देखता हूँ जो मेरे गोंडवाना जो हड़प्पा संस्कृति को देखता हूँ वो एडवांस है वी आर एडवांस पीपल वी नो हाउ टू डू रिलेशंस मेरी बहनों के साथ मेरे सगा पाड़ियों के साथ मैं पाँच पेन वाला इंसान हूँ मैं मेरे पैन को मेरे पेनों को मेरी माता के कुल की लड़कियों को मैं मेरे उन जो हमारी मड़मिंग नहीं है हम मड़मिंग नहीं को मानते हैं हम सगा बड़ी कैसे बैठना है वो मानते हैं तो अगर आप हम हमारे खान पान का एक तरीका है खान पान का तरीका है अभी मैंने जो एरुंगाटा गाया था हमारा झंडा है भारत देश के आदिवासियों को किसी को भी पूछ लीजिए उनका झंडा है कि जिसके लिए वो मर सकते हैं कल ही मैं मेरी वाइफ के साथ बात कर रहा था कि इंसान वो नहीं कि वो जो जीता है इंसान वो है कि किसी कॉज के लिए मरता हो आज अगर मुझे पूछते हैं कि मैं किस झंडे के लिए किस झंडे के लिए मैं मरना चाहूंगा तो मेरे लिए तीन झंडे हैं एक मेरे भारत देश का तिरंगा झंडा एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जो झंडा दिया उस झंडे के लिए और वो एक ऐसा झंडा जो एरुंग झंडा है जो मेरे को बना का झंडा है सात रंगों का झंडा है वो मेरे अपने का झंडा है उस झंडे के लिए मरना चाहूंगा और वही मेरी आइडेंटिटी है मैं जीव कैसे भी मैं मरूंगा मैं कोइतुड़ बाना से ही मरूंगा अभी आपको एक बात बताता हूं आइडेंटिटी की बात आई कल नागपुर में मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं मैं एक डॉक्टर हूं मैं एक सर्जन हूं मैं लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूं कैंसर का इलाज करता हूं ऑपरेशन करता हूं महाराष्ट्र के सबसे टॉप के कॉलेज में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुका हूं और मैं सिर्फ और सिर्फ साइंस और कोया मुजान जो कोईतूड़ बाना है वो साइंस ही सिखाता है तो साइंस की बात बताता हूं आज हमारे कुलगुरु लेवल के लोग नागपुर में नागपुर में देहांत हो गया और उनको अंतिम संस्कार कर दिया गया जलाया गया मैं बोला सर आप तो गोंड हो आपको जलाया जाता है क्या जो हमारे बाकी सगा पाड़ी थी तो लोगों के पहले आंसर नहीं हो बोलते कि नागपुर में जगह नहीं है हमारे पास तो नागपुर में जगह नहीं है इसका मतलब आपकी पहचान नहीं है आप अपने नेंग नहीं कर पा रहे हैं जिसे कहते हैं टोड़ी सियाना जो तीन सबसे तीन संस्कार होते हैं

आज के बाद मुझे आदिवासी मत कहना मेरे दोस्तों मेरे जितने भी जो अदर अदर कम्युनिटी के लोग हैं शेड्यूल कास्ट के लोग हैं ओबीसी है ओपन कैटेगरी के लोग हैं और जो भी भारत देश के छः से ज्यादा ट्राइबल लोग हैं वो अपने आप को कुछ भी कहे पर मैं गोंड हूँ मैं कोयतुड़ू मुझे आदिवासी मत बोलना प्लीज डॉक्टर आंबेडकर ने बोलते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा जी ने आदिवासी शब्द मांगा था संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में डॉक्टर अंबेडकर ने बोल दिया डॉक्टर अंबेडकर से आदिवासी इज लाइक ए जनरल टर्म इट इज इट इज लाइक अनटचेबल्स इसका मतलब कि आदिवासी यह एक बहुत जनरल टर्म है ये अस्पृश्य की जैसा शब्द है पूरे संविधान में अस्पृश्य शब्द नहीं है दलित शब्द नहीं है अगर है तो मुझे बता दीजिए अगर मैं झूठ हूं अगर झूठ कह रहा हूं मेरे पास प्रूफ है कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट पढ़ा है मैंने भी सो so, डॉक्टर अंबेडकर ने बोल दिया कि आदिवासी शब्द लाइक अस्पृश्य के जैसा है उन्होंने इस शब्द को नकार दिया था मैं डॉक्टर अंबेडकर जी के इंटेलिजेंस को मानता हूं वो ज्ञान की मूर्ति है तो उन्होंने इंटेलिजेंस का सहारा लिया क्या हम इंटेलिजेंस है क्या हम इंटेलिजेंट है अभी तो हमें हमें इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा सियान बनना पड़ेगा आ, आज अगर हम लोग देखते हैं इंडिजीनस डे इंडिजीनस डे डे की उत्पत्ति को मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा इंडिजीनस डे की उत्पत्ति सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में ऐसा हुआ कि कोई देश आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए इसमें मनुष्य मनुष्य रेस ह्यूमन रेस को धोखा है सारा देश सारा दुनिया सारे दुनिया नष्ट हो सकता है एक एटम बॉम्ब एक दूसरे में डाल दिया जाए क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एटम बॉम्ब का यूज किया गया था तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए इसलिए बहुत बुद्धिजीवी लोग इकट्ठा आए मगर उसके कई सालों के बाद ये उन्होंने सोचा मगर उसमें भी जो हम लोग ट्राइबल लोग अभी आज भारत देश में शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं हमको हम लोग जो मूल निवासी मूल वंश के लोग जो है उनको स्थान नहीं था उनको स्थान नहीं था एक अटलांटा से एक अटलांटा के ट्राइबल किंग थे वो यूनो में गए दो साल तक के गए कि बॉस मेरी सुनो तो उन्होंने उनका नहीं सुना गया बाद में न्यूजीलैंड के माओरी ट्राइब के धर्मगुरु थे वो भी गए दो बार दो तीन बार गए होंगे मे भी नंबर नहीं मालूम मगर उनको भी नकारा गया मगर उनके बाद लोगों ने सुनना शुरू किया ऐसे ही ऐसे ही यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में ये इंडिजिनस फोरम नहीं बना उसके लिए हमारे कुछ राजाओं ने दूसरे देश के ट्राइबल राजाओं ने मेहनत की तब जाके उनको सुना गया उसके बाद डेफिनेशन की बात आई स आर हुई मैं कौन हूँ, मैं इंडिजिनस क्यों हूँ? इन्होंने भी पूछाई आर इंडिजिनियस तो मार्टिन कोबो मार्टिन कोबो नाम का आदमी है उन्होंने बहुत सारे पेपर्स किए आप भी देख सकते हैं मार्टिन कोबो रिसर्च कर, सर्च करिए उन्होंने डिफाइन किया वा हु आर इंडिजिनियस उसको हिंद, आप इंग्लिश में पढ़े उसको हिंदी में, में पढ़ता हूं गोंड गोंडी गोंडवाना गोंड गोंडी गोंड़ी, गोंड़ी, गोंडवाना गन गोटुल यही इंडिजिनस की डेफिनेशन है जो लोग जिनकी खुद की जमीन है जो अपने जमीन से जुड़े जो गोंडवाना जलायन से जुड़े हुए हैं जिनकी खुद की सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम है गोटुल सिस्टम है जिनकी खुद की भाषा है जिनकी भाषा बाहरी लो, लोगों के आक्रमणों से बदली नहीं है वो अब बाहरी लोगों की कौन है भारत देश की बात करते हैं बाहरी लोग कौन है आर्य बाहर बाहर आर्य बाहर से आए किताबों में था खून बाहर से आए मोगल्स बाहर से आए अंग्रेज बाहर से आए तो जो बाहर से आए हैं वो बाहर से आए हैं जो यहां पे है जो यहां से लग से जुड़े जो अपने अपने लैंड से जुड़े अपनी भाषाओं से जुड़े अपनी मातृभाषा से जुड़े हुए जिसे हम लोग गोंड गोंडी गोंडवाना गोटुल गणतंत्र जैसे बोलते हैं इनसे जुड़े हुए लो लोग इंडिजिनस हैं मैं तो गोंड आदमी हूं मैं गोंडी भाषा बोलती हूँ पाना पारसी बोलता हूं पर इतने सालों से मेरी माँ मेरी भाषा से भाषा से मेरा नाता टूट गया तोड़ा गया एक षडयंत्र षडयंत्र के तहत तो मेरे दोस्तों अपनी आइडेंटिटी के लिए जागी इंडिजिनस डे हमारी आइडेंटिटी का दिन है आज मेरा एरुंग झंडा मेरा झंडा लहराने का दिन है ये फ्लैग के बारे में बोलता हूं फ्लैग के बारे में एक धर्म कोड की बात हुई थी बीच में धर्म कोड की बात हुई थी तो हम लोगों ने पूछा कि भाई आपने एक बार झंडा कौन सा है तो मैंने बोला मेरे पास तो झंडा रेडी है मेरा एरुंग झंडा रेडी है हमारे गोंडवाना का झंडा रेडी है सात रंग का झंडा रेडी है आज पूरे भारत में किसी के पास भी वो झंडा नहीं है और मैं ये गोंडी बोलूंगा कल चल के ये आदिवासी झंडा बोलेंगे मध्य प्रदेश के एक आदमी ने निसर्ग के चक्र के अनुसार एक एक घड़ी बनाई थी जिसका नाम गोंडवाना घड़ी बोला था जो निसर्ग जो लेफ्ट टू राइट घूमता है जो निसर्ग जो पृथ्वी घूम रही है वो लेफ्ट टू राइट घूम रही है उसके अनुसार उन्होंने घड़ी बनाई गोंडवाना के लोगों ने घड़ी बनाई अभी वो लोग बोल रहे हैं कि आदिवासी घड़ी राजस्थान के लोग बोल रहे हैं आदिवासी घड़ी वो वारली लोगों को मैंने पूछा तुम्हारा तुम्हारा वारली नृत्य ऐसा क्यों घूमता है तो मुझे नहीं मालूम बोलते हैं वारली चित्र ऐसा क्यों घूमता है ऐसा घड़ी है ना आप घड़ी का जो काटा है उसको देख लीजिए घड़ी का काटा उल्टा उल्टा कर लीजिए उसको है ना उसको बोलते हैं उसके बोलते हैं राइट टू लेफ्ट इस तरीके से घूमना अब ये जो डिरेक्शन है आपका राइट से लेफ्ट ये जो डिरेक्शन है इसी तरीके से पृथ्वी फिरती है फिर पृथ्वी घूम रही है एक न्यूक्लियस स्टेबल होता है प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अगेंस्ट में भी ऐसे ही घूम रहा है एक जो सांप होता है सांप भी ऐसे ही घूमता है जो बेला होती है जो पेड़ के ऊपर घूमती है वो भी ऐसे ही घूमती है आप जैसे पानी में भंवर आता है भवर भी ऐसे ही घूमते हैं यानी दुनिया के जो पांच शक्तियाँ होती है हवा पानी अग्नि हवा पानी अग्नि जमीन आकाश ग्रेविटेशन आप गिन लीजिए वो पांच तत्व जो आकाश यूनिवर्स भी वैसे ही घूम रहा है पानी पानी भी वैसे ही घूम रहा है जब पानी में भंवर आता है वो भी ऐसे ही घूमता है तो ये ऐसा इसका क्या रिलेशन है इसका मैं जैसे नहीं बता रहा हूँ कि हमारे हमारे गो गोंडी लोगों में ऐसे ही घूमते हैं हमारा पाटा ऐसे ही होता है ये रिलेशन है हमारा नेचर के साथ ये हमारी आइडेंटिटी है ये गोंड बोल सकते हैं ये कोई तोड़ बता सकता है किसी और को भी तो हम लोग हम लोग हम लो, हमारा नॉलेज जिसको इंटेलेक्चुअलिटी बोलते हैं इंडिजिनस इंटेलेक्चुअलिटी हमारी इंटेलेक्चुअलिटी क्या है जैसे कि मैं बात बोल रहा था कि अगर हम लोगों ने बोल दिया कि हड़प्पा और मोहन जदौड़ा हमारी थी तो हम लोग प्रगत हो जाएंगे तो किसी और के हिसाब से वो लोग खुद को जानबूझ के पिछड़ा बताना चाहते हैं खुद को नंगा बताना चाहते हैं खुद को आधा पका हुआ खाना बताना चाहते हैं मगर ट्राइबल की डेफिनेशन ऐसी नहीं है भारत देश का संविधान आर्थिक आर्थिक रूप के ऊपर अवेलेबल नहीं है इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक स्टेटस इट इज नॉट डिपेंड ऑन इकोनॉमिक स्टेटस इट इज़ डिपेंड ऑन द कास्ट एंड करीड एस टी एस सी ओ बी सी और एन टी वीजेज वी जे स्पेशल बैकवर्ड क्लासेज इसमें अकॉर्डिंग टू द लोगों के लोगों के जो रहन सहन है उसके हिसाब से ढाला गया है तो आप ये बात को समझ लीजिए लोगों को लगता है लोगों को लगता है ऐसे कि रिजर्वेशन आपके पिछड़ेपन के ऊपर सोशल इकोनॉमी के ऊपर आधारित नहीं है या आपके आइडेंटिटी के ऊपर आधारित है आपको पांचवी अनुसूची दिए गए छठवी अनुसूची दिए गए इंडिजिनस फोरम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आर्टिकल 46 है वहां पे आर्टिकल वन शुरू होता है और आर्टिकल 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 46, आर्टिकल वन से आर्टिकल 46 से लेकर है आप देखिएगा उसको कि कितने आर्टिकल लिखे गए हमारे पे 2019, 2019 हजार इंडिजिनस लैंग्वेज के बारे में था इंडिजिनस लैंग्वेजेस बचाइए सेवन थाउजेंड लैंग्वेजेस है वर्ल्ड में फोर्थ थाउजेंड लैंग्वेजेस इंडिजिनस लोग बात करते हैं जैसे कि मैं पूछता हूं भारत देश की लैंग्वेज क्या है मातृभाषा क्या है भारत देश की लैंग्वेज क्या है भारत देश का नाम क्या है भारत ऐसा देश है उसको तीन नाम है भारत इंडिया और कुछ लोग और एक नाम बोलते हैं मगर ऑन पेपर भारत और इंडिया बोलते हैं ठीक है शेड्यूल ट्राइब को कोई लोग शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति और महाराष्ट्र में अनुसूचित जमाती और कुछ लोग आदिवासी एक ही आदमी को एक ही आदमी को आप कैसे बोल सकते हो और ऐसा देश है जिसकी राष्ट्रभाषा नहीं है हम लोगों को पता है कि हिंदी राष्ट्रभाषा मैं पढ़ लिया हिंदी राष्ट्रभाषा भारत देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है तो हम लोगों ने जब पढ़ा तो भारत ऐसा देश है जिसकी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है ये यानी हमारे लिए हमारे सारे भारत देश के इंटेलेक्चुअल लोगों को ढूंढना पड़ेगा भाई भारत देश की लैंग्वेज क्या है भारत देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है ये बॉलीवुड जो हिंदी में आया है हिंदी के बाद बॉलीवुड की वजह से हम लोगों को हिंदी बोली गई है मैं महाराष्ट्र में पैदा हुआ पर मराठी में मुझे प्रॉब्लम है नहीं बोल सकता सही तरीके से मगर हमारे पे थोपा गया उन्नीस में हम लोग महाराष्ट्र में गए दो सौ समथिंग चौबीस स्कूल नागपुर में थी गोंडी स्कूल बंद कर दी गई अभी मेरे भाषा पे इंडिजिनस 2019 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बचाना चाह रहा है पूरे दुनिया के 4000 हजार इंडीजीनस लैंग्वेजेस बचाना चाह रहा है तो हमें इंडिजिनस भाषा इंडिजिनस डे सेलिब्रेट करना है तो हमें फिर से वापस आना पड़ेगा गोन गोनी गोटवाना गोटूल गणतंत्र पे वापस आना पड़ेगा मेरे दोस्तों इस बात को समझिए अभी कर, लास्ट ईयर मंडला में गया था मंडला में बहुत रैली निकली पॉलिटिकल लोग पैसा दे मना रहे थे पॉलिटिकल लोग पैसे दे रहे क्या हमें त्यौहार त्यौहार पॉलिटिकल लोगों का पैसा लेके मनाना चाहिए और एक ऐसा त्यौहार है आपको मैं आपको मैं बता रहा हूं अभी महाराष्ट्र में ऐसा हुआ कि एक मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा जिसको धरती का आभा बोलते हैं उन उनके नाम पे नेशनल हॉलिडे देना चाहते हैं फिर मैंने बोला भारत देश में तो बहुत क्रांतिकारक हो गए एक ही एक ही ट्राइब का एक ही आदमी महान क्रांतिकारक नहीं हो सकता पूरे भारत देश में इतने सारे क्रांतिकारक हुए हैं अगर हम लोग गिनने गए थे तो हमारे तो सौ 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 छुट्टियां देनी पड़ेगी हमको संसद में संसद में एक, एक इंसान का स्टैचू लगाया गया बहुत बड़े फाइटर थे मगर वो बहुत बड़े फाइटर थे किसने डिसाइड डिसाइड किया किया भाई किसने किया? पूछा था किसी को वो एक ही आदमी नहीं कर सकता है एक ही आदमी उनका है ना उनको बिरसा मुंडा बोल रहे हैं क्या बिरसा मुंडा को क्यों थोपा जा रहा है गोंडवाना के ऊपर क्या गोंडवाना में हमारे क्रांतिकारक नहीं हुए क्या बाबूराव शर्मा के नहीं हुए क्या हमारे भीमू कुमराम नहीं हुए शंकर शाह रघुनाथ शाह नहीं हुए झलकारी बाई नहीं हुई सिद्धो कानो नहीं हुए गुंडा दूर नहीं हुए अरे भाई और न जाने रानी गेंडिंग न जाने कितने लोग अब आप हमारे पे सिर्फ बिरसा मुंडा थोप रहे हो मैं चाहता हूं यार हम पे मत थोपो एक इंसान को मत थोपो यार संसद में आपने पुतला बना दिया पर हमारी आइडेंटिटी का गोण की आइडेंटिटी का क्या है हम आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं मगर आप पॉलिटिकल लोग अगर हम हमें 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 रुझान हमको बोलते हैं मराठी में बोलते हैं गांजर दाखों ने यानी गाजर दिखा देना तो एक आदमी ने मुझे कॉल किया अरे भाई बिरसा मुंडा चलता है अरे भाई पर बिरसा मुंडा ने महाराष्ट्र में लड़ाई नहीं लड़ी मध्य प्रदेश में नहीं लड़ी मध्य प्रदेश के हमारे सेंट्रल इंडिया में हम हमारे भी क्रांतिकारकों ने लड़ाई लड़ी बाबूराज शर्मा के जब उनको फांसी दी गई बिरसा भिर्शा, बिरसा मुंडा पाँच या छः साल के थे तो उनका 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 स्टैच्यू उनका नेशनल हॉलडे नहीं देना चाहिए So, भारत देश में हम क्रांतिकारकों के नाम पे कब तक बांटेंगे हम एक दूसरे को कोई भी क्रांतिकारक नहीं सभी क्रांतिकारक ग्रेट है अब कौन डिसाइड करेगा कम कौन ज्यादा कौन गलत है बिरसा मुंडा के नाम पे मेरे दोस्तों हमारे कोतों को बांटना बंद करे भारत देश के सारे इंडिजिनस लोगों को बांटना बंद करें बहुत है भाई बहुत लोगों ने जान गंवाई है बहुत लोगों ने जान गवाई एक इंसान को भी क्रांतिकारक में महान नहीं हो सकता ये दिल की बात बोल रहा हूं मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं जो हमारे क्रांतिकारी सब महान है अबुआ अबुआ राज मावा राटे मावा राज बोलने वाले लोग हैं हम तो एक आदमी थोड़ी है एक आदमी ग्रेट नहीं हो सकता हम लोग सगा पाड़ियों विरोध विरोध करते वे विदार पर भरोसा करने वाले लोग हैं तो जब समाज को ग्रेट मानते एक इंसान कभी भी ग्रेट नहीं हो सकता और भारत देश में भारत देश में नेशनल हॉलीडे चाहिए तो सिर्फ इंडिजिनस डे के दिन चाहिए इंटरनेशनल इंडिजिनस डे जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल तो मेरे प्यारे मेरे प्यारे भाईओ आज के दिन मैं इतना बोलना चाहू चाहूंगा कि हम हमारे आइडेंटिटी को हमारे आइडेंटिटी जो है उसको उसको जाने हमारी इंटेलेक्चुअलिटी को जाने आने वाली आने वाली जो पीढ़ी है बीस साल के बाद वाली बात अब हम बताएंगे कि मैं हमारे हम सिर्फ हम पिछड़ा बताए बताएंगे हम खुद को यह हम बताएंगे कि हमारे पुरखाओं ने इतने गढ़ों का निर्माण किया हमारे राजाओं ने हमारे राजाओं ने इतने दिन राज्य किया हमारे इंजीनियरिंग नागपुर में नागपुर में सात से भी ज्यादा तालाब थे फुटाला तालाब ये मैन मेड तालाब है चंद्रपुर में भी बहुत सारे तालाब थे चांदागढ़ चांदागढ़ के तालाब मैन मेड थे भोपाल भोपाल में जितने तालाब है वो भोपाल भोपाल शाह ने बनाए हैं भोपाल शाह राजा भी गो, गोंड राजा थे उन्होंने भी तालाब बनाए हैं आप हिस्ट्री को कंगाली तो इसका मतलब हमको तालाब बनाना आता था हम लोग एकदम पिछड़ नहीं थे वी आर वेरी साइंटिफिक वी आर वेरी साइंटिफिक पीपल वी नो हाउ टू बिल्ड अ लेक जो कभी सुखता नहीं था मुझे बताइए आज भारत देश में ऐसा तालाब बना के दिखाइए जो सुखता नहीं हो सौ सौ साल तक भोपाल में जाके देखिए उसको द सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं। वो लेक्स बनाए किसने दे आर मैन मेड बॉस So, वो कोयतुड़ मिजान वो कोयतुड आइडियोलॉजी वो कोयतुड इंटेलेक्चुअलिटी वर्ल्ड उसे बोलते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम लोग पिछड़ेपन से निकल के पिछड़ेपन से निकल के अभी हमको हमारे इंटेलेक्टी की तरफ आना पड़ेगा हमारे कोयतुड़ मिजान को आना पड़ेगा जैसे कि आपको बोलता हूं जैसे दो वर्ल्ड नाइन्थ ऑगस्ट ये डिक्लेयर हो चुका है ये ईयर इट्स इट्स कॉल्ड एज इंडिजिनस रेजिलियंस इंडिजिनस रिलीज resilience इंडिजिनस resilience इन the फेस ऑफ कोविड pandemic इसका मतलब कि आज हमारे जो इंडिजिनस लोग हैं हमारे जो कोतरू लोग हैं हमारे भारत के जो मूलवंशी है पूरे देश के पूरी दुनिया के जो मूल वंशीय है वो लोगों का रजिस्टर उनकी फाइट अगेन अगेन द कोविड नाइनटीन इस मॉडर्न तो दुनिया को हमारे ट्राइब में गाओबंदी करते थे कभी कोई एक इंसान को बीमारी होती तो एक गाँव में एक घर में उसको रखते थे उसका इलाज करते थे वही इसको हम लोग अभी होम क्वारंटाइन नाम दे रहे हैं ये इंटेलेक्चुअलिटी नहीं है तो न, क्या है हमारी इंटेलेक्चुअलिटी और दूसरी बात अभी कोविड 19 में अभी कोविड नाइन्टीन की बात है कोविड नाइन्टीन के बाद आज हमारे सारे कोतुड़ो के हमारे भारत के मूलवंशी लोग हैं वो आज जो अपनी खेती बाड़ी छोड़ के शहरों में मजदूर बन चुके हैं वो सारे मजदूर वापस अपने इंडिजिनियस लैंड पे चले गए हैं अपनी धरती माता के पास चले गए अपनी माँ के पास चले गए तो मैं वो जो भी घर पे चले गए आज वो सब अपने अपने घर में पूरा पैंडेमिक आ चुका है तो मैं चाहूँगा कि हमारे गुणवाना भूमि को अपनाइए मेरे दोस्तों मेरे भाइयों कोविड नाइन्टीन ने हमको सिखाया है हमारी ज़मीन में सोना सोना दबा हुआ है उस जमीन का उपयोग करिए उस जमीन का उपयोग करिए लोगों का मजदूरी छोड़िए मजबूरी छोड़िए हमारे केस, खेत में दम है मैं लास्ट टाइम भी मेरा सेमिनार होता है उसमें बोला कि हमारे पास नैसर्गिक संसाधन बहुत है नैसर्गिक संसाधनों के पीछे लगिए और तभी मैंने जब शुरुआत किया था तब मैंने यही बोला था कि सिर्फ जीना सिर्फ जीना नहीं है एक तितली कहती है कि जीना है अगर हमको हमें फ्रीडम स्वतंत्रता के साथ जीना चाहिए हमारे प्रकाशवान होकर जीना चाहिए हम हमारे फूलों के से जैसा जीना चाहिए क्या हम क्या हम फ्री हैं क्या हम स्वतंत्र हैं क्या हमारी कल्चर स्वतंत्रता है इस देश में हमारी भाषा में हमें एजुकेशन लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं क्या हम हमारे पे दूसरे धर्म के लोग दबाव नहीं डालते हैं क्या हमारे जो खुद का को, कोया पुणे में है क्या उसके ऊपर हम लोग दबाव दबाव बनाए रखे हैं क्या हम लोग जी पा रहे हैं क्या हम मुझे जिस तरीके से जीना चाहिए भाई मुझे नहीं आता है कभी कभी मुझे मुझे बाल मेरे बाल कर ली है मेरा रंग काला है कुछ सालों पहले मैं खुद को बुरा समझता था मगर जब मैंने पता चला कि भाई ये मेरा कल है मेरा रंग अच्छा है यार मेरा कोई तुड़ रंग है तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया वो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया मगर इसलिए हमें हमारी आइडेंटिटी हमारी इमेज हमारे खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें खुद को स्वतंत्र बनना पड़ेगा कि मैं भी मैं भी कुछ एक व्यक्ति हूं स्वतंत्रता के साथ जी सकता हूं मुझे भी फ्रीडम मुझे भी जीवन जी जीने का अधिकार है मुझे भी ज्ञान है ज्ञान का प्रकाश है मुझमें भी कोया पुनियम का ज्ञान है कल चल के आ, कल मुझे एक लड़की ने कॉल किया सर हमको बैनर बना रहे इंडिजिनियस का तो क्या बैनर बना है? मैंने बोला सुईमोद वेरची लिख दीजिए कोया पुनियम में एक वर्ड है सुईमोद वेरची मैं बोलता है कि ये लिख दो जीवा पोरो जीवा पीसीता जीवा पोरो जीवा पेन पीसीता जियो और जीने दो पांदीपारीपाल का नॉलेज है ये हमारा ज्ञान है हम हमारे ही ज्ञान से हमारे ज्ञान से हमें प्रकाशवान करना है हमें साइंस में भी जाना है साइंस हमने कभी नहीं बोला हमने कभी नहीं बोला कि हम पीछे डाउनग्रेड हो हो साइंस का विद्यार्थी हमेशा एक पदार्थ जो बोलते हैं कि मुन मुंशुल शर्री शारीरिक मानसिक और बौद्धिक विकास हमेशा होना चाहिए अगर मैं एक अगले एक, एक लेवल पर पूछाऊँ तो मुझे दूसरे लेवल की बात करनी चाहिए तीसरे लेवल की बात करनी चाहिए तो दोस्तों ये हमारा सनशाइन है ये हमारा प्रकाश है हमें खुद को प्रकाशित होना है प्रकाशित होने के भी बहुत तरीके हैं हम लोग एजुकेशन में प्रकाशित होना चाहिए हमें बहुत बढ़िया एजुकेशन लेना चाहिए हमें राज्य व्यवस्था में जाना चाहिए हमें पॉलिटिकल व्यवस्था में जाना चाहिए हमें हमारा गुणवाना राज फिर से बनाना चाहिए किसने रोका है भाई तो इंडिजिनस डे है दोस्तों वापस हो जाइए हमारे गुणवाना राज निर्माण के लिए और तीसरा होता है फ्लावर्स फ्लावर्स जैसे कि एक उदाहरण है मैं अगर मैं गुलाब हूं तो मैं मैं दूसरा खुला गुलाब दूसरा फूल नहीं बन सकता मैं कमल नहीं बन सकता मैं अगर गोर्ड करके पैदा हुआ हूं तो मैं मुझे मेरी जो बात है जो मेरे में अच्छी बात है वही चीज मैं दूसरों को दे सकता हूं दूसरों के अवडंबर में मैं दूसरों के नौटंकी के पीछे अगर मैं जाऊँगा तो मेरा अस्तित्व तो धोखे में आ जाएगा ना तो अगर मैं गुलाब हूँ तो मुझे गुलाब की तरह ही दिखना चाहिए उससे मुझे मेरे आजू बाजू का वातावरण उसके गुलाब की जैसे सुगंध से सारा वातावरण सुगंधमय कर हो जाता है उसी प्रकार जो मुझ में नॉलेज है जो में अच्छाई है वो मैं दुनिया को दूँ ये एक सार है ये भी एक कोहया सार है दोस्तों आज इंडिजिनस डे के दिन मैं यही बोलना चाहूँगा और 2030 का एक एजेंडा है मैं आपको बताना चाहूँगा इंडिजिनस डे का जो फोरम है वो चाहते हैं कि बोलते हैं कि सारे इंडिजिनस लोग अपनी भाषा में एजुकेशन लें उनकी अपनी खुद की सिस्टम तैयार हो ये इंडिजिनस डे का खुद का नारा है तो मैं चाहूंगा आप लोगों को दो तक दो तक 2030 तक हमको हमारा खुद का स्वयं शासन ऑटोनॉमी हमारी खुद की व्यवस्था बनानी है हमको फ्री होना है हमको हमारे जैसा जीना है हमारे ताकतवान होकर जीना है यही बोल के मैं आज इंडीजेंस डे के दिन पर आप लोगों के बारे में जो मैंने बात रखना चाह रहा था ये मेरे कुछ मेरे मन के दिल की बहुत गहराई से जो बात आए है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत किया हो मेरी बातों से किसी भी समाज को रेस को अगर दुख पहुँचा हो तो मुझे क्षमा करिएगा मगर ये मेरे लोगों को मेरे लोगों को जगाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ मुझे किसी भी धर्म के अगेंस्ट में किसी भी ट्राइब के नेताओं के प्रति मुझे अगेंस्ट में नहीं है मैं मैं मेरे अपने पुरखाओं को पुरखाओं को जगाना चाह रहा था और अपने पुरखाओं को जगाने के लिए और मेरे पेन पट्टाओं को जगाने के लिए और ये जोन फड़ा पैनता सेवा सेवा बिमाल पेनता सेवा सेवा रावण पेनता सेवा सेवा ये बोल के मैं मेरे मेरा विचार को मैं विराम देना चाहता हूँ बहुत जल्द मिलते हैं अगले साल जहाँ भी, भी हो इंडिजिनस डे के दिन जरूर मिलेंगे जोरदार तरीके से मनाइएगा सेवा 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 जोर